दोस्तों नवरात्रि में अगर आप फास्टिंग या व्रत रखने का सोच रहे हैं तो उसे गलत तरीके से बिल्कुल ना रखें, उससे आपकी बॉडी पे बुरा असर पड़ेगा। तो चलिए इस नवरात्रि हम फास्टिंग करते हैं, वो भी हेल्दी तरीके से। तो दिन के 24 घंटे को आपको दो हिस्सों में बांटना है, 10 घंटे और 14 घंटे। 10 घंटे में आप सूप पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, व्रत वाला खाना खा सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि चीनी को अवॉइड करें। और बाकी 14 घंटे में आपको सिर्फ पानी पीना है, कम से कम 3 से 4 लीटर, और ग्रीन टी भी साथ में पी सकते हैं। इससे आपका वेट कम तो होगा ही, साथ में आपकी बॉडी भी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। जिन्हें डायबिटीज है वो इसे फॉलो ना करें, और आप सब इस नवरात्रि इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर सकते हैं। एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं जो एजिंग कराते हैं, मतलब हमें बूढ़ा करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे बाल सफेद होने लगते हैं, सुनना कम हो जाता है, स्वाद आना कम हो जाता है, स्किन में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं बॉडी में जिन्हें फ्री रेडिकल्स एजिंग कराने में मदद करते हैं। तो अगर हम इन फ्री रेडिकल्स को किसी तरह से नष्ट कर दें, खत्म कर दें, तो हमारी एजिंग लेट हो जाएगी, बुढ़ापा हमें लेट आएगा। और इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का एक अच्छा तरीका है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स किस खाने में होते हैं, इनके क्या सप्लीमेंट्स होते हैं, मैं अगले आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको अक्सर सिर में दर्द रहता है और आप हर बार दर्द की दवा खा लेते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, जो लोग आजकल ज्यादातर करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो सिर का दर्द जो आपको हमेशा रहता है वो आपके ब्रेन के अंदर कोई बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। ऐसे में आप न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करें। दोस्तों आज के बाद आप प्लास्टिक बैग्स की जगह ऐसे पेपर बैग्स का यूज कीजिए, और प्लास्टिक बॉटल्स की जगह ऐसे ग्लास बॉटल्स का यूज कीजिए। प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करके आप खुद को तो स्वस्थ रख ही सकते हैं, साथ में हमारे प्लेनेट को भी सुंदर बना सकते हैं। दोस्तों हमारे बॉडी में प्रॉपर डाइट नहीं लेने की वजह से विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बॉडी में पूरी तरह से ग्रोथ नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स ऊपर से देना बहुत जरूरी होता है, बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है और बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता है। तो अगर आपको कोई भी विटामिन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों नॉर्मली हमारे दिल की धड़कन 1 मिनट में 60 बार से लेकर 100 बार धड़कती है, या इसे ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्मल हार्ट रेट इज 60 to 100 beats per minute। एथलेटिक्स या स्पोर्ट्स पर्सन जो एक दिन में 10-10 किलोमीटर भागते हैं, उनका हार्ट रेट 60 से कम भी हो सकता है नॉर्मली। और प्रेगनेंसी में, या आप कभी स्ट्रेस में हैं, या सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हार्ट बीट 100 से ऊपर भी जा सकता है नॉर्मली। हार्ट बीट 100 से ऊपर फीवर या बुखार में भी जाता है और वो नॉर्मल नहीं होता है, उसे हम पल्स रेट से चेक करते हैं। आप भी चेक कर सकते हैं।